नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बॉलीवुड की एक महान नायिका काजल देवगन की सफल जीवन यात्रा पर। काजल देवगन जिन्होंने अपने अभिनय की जादू से हजारों दिल जीत लिए, उनकी जीवन गाथा से जुड़ी हर खूबसूरत बात आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। काजल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता सोमू मुखर्जी एक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर थे और माँ तनुजा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। काजल की खूबसूरत मुस्कुराहट और अभिनय का टैलेंट उनकी माँ से ही प्राप्त हुआ था। 1992 में काजल ने अपनी डेब्यूट फिल्म बेखुदी के साथ बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के साथ काम करने से मिली। उनकी जोड़ी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली और काजल को बाजीगर की बादशाह कहने लगे। काजल की अगले साल रिलीज हुई फिल्म ये दिल्लगी और करण अर्जुन ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया, लेकिन उसका असली ब्रेक थ्रू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। काजल ने फिर से एक और माइलस्टोन फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। फिर आए कभी खुशी कभी गम, जहां उनकी एक्टिंग और इमोशन ने लोगों के दिल जीत लिए। 1998 में काजल ने बर्स की 3 सबसे अधिक कमाई वाली प्रस्तुतियों में अभिनय करके हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था और कुछ कुछ होता है जिनमें से सभी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन किया गया था। काजल ने 24 फरवरी 1999 में सुपरस्टार अजय देवगन के साथ शादी की। उनके प्यार का सफर तब से शुरू हुआ और उनके साथ 2 बच्चे योग और न्यासा हैं। काजल ने अपने करियर में कई अवार्ड्स जीते, जिनमें से उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और पद्मश्री 2011 का सम्मान मिला। 2019 में उन्होंने अभिनेत्री श्रीदेवी पर एक जीवनी की प्रस्तावना लिखी, जिसका शीर्षक था श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेज। काजल एक मात्र नहीं बल्कि एक समझदार और सामाजिक रूप से सक्रिय इंसान भी है। उन्होंने विभा और शिक्षा का सम्मान, देवी अवार्ड, औरंगाबाद वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अपने कार्य का प्रमाण दिया। समाज सेवा में उनके योगदान के लिए काजल को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काजल ने अपनी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया सिंगापुर मैडम टुसर्ड्स म्यूजियम इन 2018। काजल देवगन एक इंस्पिरेशन है जो अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। उनकी सफलता की कहानी उनके कठिन प्रयास और समर्पण से भरी हुई है। आज वो एक माँ और एक काबिल अभिनेत्री है जो अपनी कला से हर किसी का दिल जीत लेती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे रोचक और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें।